अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैर वाकिफ़ से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। व्यूवर्स, आज कुछ ऐसा सीन है कि आज हम लोग जा रहे हैं शादी पे, तो अभी तक तैयारी तो शुरू नहीं की क्योंकि रात तक जाना है, 7-8 बजे तक जाना है। एक्चुअली मेरे अबू के जो कलीग हैं उनकी बेटी की शादी है, तो मुझे अम्मी वगैरह ने बोला था कि तुम भी तैयार रहना और बच्चे भी, तो साथ चलेंगे हम लोग। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा एंजॉय हो जाएगा तो बच्चे भी एंजॉय कर लेंगे घर में ऐसे ठहर के। तो इसलिए बस घर का जो काम वगैरह है वो तकरीबन हो गया है। ये देखिए किचन का भी, अब ये है कि ये बर्तन थोड़े से समेटने हैं, और ये देखिए ये दूध जो है ना इसके ऊपर कवर नहीं रखा हुआ, अभी बॉइल किया है तो मैं भूल गई। ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ बंदा भूल जाता है। और हरम फातिमा को मैंने दूध बना के दिया, उसने दूध पिया, अब वो जो है सो गई है, तो मैंने कहा थोड़ी देर वो सो लेगी, रेस्ट कर लेगी, तो रात को वैसे भी जागना है। और अब सलाम करो बेबस को, अस्सलाम वालेकुम। इतना बड़ा सलाम आराम से करते हैं। चाहे अच्छा, और हम आज जो है शादी पे जा रहे हैं ये। और व्यूअर्स, एक और बात कि मैंने जो है सफाई वाली मासी को लगा लिया है, क्योंकि मुझसे अकेले काम नहीं होता पूरा घर का। एक मैं किचन संभालूँ, फिर सफाई सुथराई सब कुछ दर्द होता था मेरे, तो मैंने सफाई वाली जो मासी है वो लगा दी है, तो आती है सुबह सुबह। ये जो हरम फातिमा है सो रही है, मैंने कहा चलो दूध पी के थोड़ी देर सो लेगी, रेस्ट कर लेगी, तो मासी जो है अपना काम कर रही है, सफाई कर रही है। ये देखिए अंदर मासी थी, जाग दे रही थी, और अब्दुल हाजी जो है वो टीवी देख रहे हैं बैठ के। किचन का मैंने तकरीबन कर लिया था सारा, नाश्ता नाश्ता कर लिया था हमने, और आज अब्दुल हाजी से बोलूँगी पानी भर आएगा कैन में। कपड़े धोए थे मैंने कल, तो वो और बाहर पे नहीं। मुझे तो पता है, आप मोबाइल देख। ये लिपस्टिक क्या लगाया? आइसक्रीम खाई। दिखाओ जरा कौन सी आइसक्रीम खाई, ब्लू कलर की है। ये देखिए ये मैंने सूट निकाला है ड्रेस शादी पे पहनने के लिए, तो अब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। ऐसे पैक हुआ पड़ा था, तो फिर मैंने ये निकाला, तो अब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए मेरे वाल मम्मा इस तली कर लेंगी है शाम की तैयारी के लिए, बताएं किस लिए? शादी पे जाने के लिए। तो उनकी बात नहीं बोलें, व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। और व्यूअर मॉल नहीं बताया, नूर महल है। नूर महल कौन सा कलर है? आपसे भी शेयर करेंगे, दिखाएंगे थोड़ा बहुत फंक्शन, आपको भी किस तरह की नहीं मैं शादी है। ओके, अब आप दिखाएं। अभी बस ये था कि बच्चों ने तैयारी कर ली है, यशा ने भी तैयारी कर ली है, और हरम फातिमा भी तैयार हो गई है। पहले मेरी दोस्त की गाड़ी तो है पहने में है, ये ड्रेस जो इंप्रेस कर रही थी वही पहना। बस हम लोग तैयार हो गए हैं, अब इंतजार में बैठे हैं कि भाई आए हमें लेने, साथ चले जाएंगे। चलें आगे शेयर करेंगे इंशाल्लाह थोड़ा सा आपसे फंक्शन। चलें मिलते हैं थोड़ी देर। व्यूअर्स, हम लोग जो है पहुंच गए हैं वेन्यू पे जहाँ पे शादी है, होटल में नूर महल व्यू जो है होटल, वहाँ पे शादी है, तो हम लोग वहाँ पहुंच गए हैं। तो बारात जो है आ चुकी थी, असल में दो बेटियों की शादी थी इनकी, तो इसलिए जो है
क्राउड बहुत ज़्यादा था, रश था, क्योंकि दो बार आनी थी और बारात जो है आई हुई थी, दोनों आई हुई थी, तो दोनों अलग अलग घर से थी, अलग अलग फैमिलीज थी दोनों, इसलिए रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बंदे थे और हम लोगों ने भी काफ़ी इंजॉय किया, बच्चों ने किया। काफ़ी प्यारा होटल है ये, शादी हॉल है, बहुत अच्छा लगा। इसकी जो डेकोरेशन है वो बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, फ्लार ही फ्लार है हर जगह। अगर अच्छी करवाओ तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और जिस तरह की भी करवाओ डेकोर तो मना करवा सकता है। अच्छी करवाएंगे तो हम ज़्यादा एक्सपेंसिव करवाएंगे, पैसे लगेंगे, और अगर कम करवाएंगे तो फिर कम पैसे लगेंगे। तो बहुत ही अच्छा हॉल है ये। अगर आप लोगों ने भी कोई शादी वगैरह आपकी आ रही है और आपने अरेंजमेंट करनी है तो इसी हॉल में करवाएं। माशाल्लाह से बहुत ही खुला हॉल है और अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है इनकी। सेल्फी बनानी है, हमने तैयार होना है, तैयार श्यार होना है, बनानी है बस।
बस हमारी एज तो गई अब चलती बनाने बच्चों वाली हो गए हैं तो मैं खुद चलाऊंगा सोचती हूँ होता है वो भी हो रही थी पता नहीं ट्रेन को मिले ये चले जाए अब रातों लेडीज़ को नहीं आ रही जेंट्स चले जाते हैं लेडीज़ अंदर नहीं आ रही बहुत ज़्यादा रश था क्राउड था हमें नज़र नहीं आई थी बहुत दूर से हम लोगों ने देखा मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँगी आपको लेकिन सॉरी नहीं दिखा सकी बहुत दूर से मैंने आप लोगों को दिखाया क्योंकि काफ़ी रश था दो बार आती थी शादी और खोल रहे आप इसको कहा कि चीज भी मिल गई बस खा लिया आपने अभी बच्चे बैठ के खाएंगे और नहीं खोलो खा रहे हैं बच्चे देखा भी खा रहे हैं और बच्चे भी इनके साथ खाएंगे कहा कि चीज कब बना रही और व्यूवर्स आपको एक और गुड न्यूज़ देने क्योंकि अनकरीब जो है ये मैं आपको पहले भी बता देती हूँ लेकिन अब दिन नज़दीक आ रहे हैं इसलिए भी मैंने सोचा कि आपसे ये बात शेयर करूँ कि इंशाल्लाह जो है मैं अब खुद भी बनने वाली हूँ वाला तो बन गई खुद बनने वाली हूँ माशा से बड़ी भाभी जो है उम्मीद से मैं इंशाल्लाह आप भी दुआ करेंगे फातमा ने तो आज पेप्सी के खूब मजे लिए सबके साथ इतने शेयर किए थे थोड़ी इसको तो मैं बिल्कुल चखाती भी नहीं इसके आज भी चले अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला बच्चों की हिफाजत करने वाला अब ये दुल्हन आ रही है दुल्हन भी माशाल्लाह से बहुत छोटी एज की थी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी दुल्हन थी दोनों एक की एज थी 17 इयर्स की थी और दूसरी थी 21 इयर्स की यानी कि सब एक 17 साल की और एक 21 साल की थी